कासगंज जिले से बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिले भर में 25 एम्बुलेंस बिना फिटनेस के ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 15 एम्बुलेंस सरकारी हैं। ऐसे बुलंदशहर जनपद की खुर्जा के ककोड़ में एम्बुलेंस में आग लगने की घटना जैसी घटना दोबारा जिले में कभी भी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर से उदासीन बने हुए हैं। आपको बता दें, शासन ने मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस तथा ALS एम्बुलेंस सेवा संचालित की जा रही है। ऐसी 43 एम्बुलेंस जिले में संचालित हो रही है, लेकिन इन एम्बुलेंस के रख रखाव पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। जानकारी के मुताबिक 15 सरकारी एम्बुलेंस की फिटनेस काफी दिन पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन विभाग के द्वारा इनकी फिटनेस कराने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि यही हाल ही निजी क्षेत्र के अस्पतालों द्वारा संचालित एम्बुलेंसों का निजी अस्पताल क्लिनिकों आदि के माध्यम से चलाई जा रही है। 15 एम्बुलेंस में से 10 की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। इस मामले में जब ARTO से बात की गई, उन्होंने बताया कि जनपद में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के जिन एम्बुलेंस की फिटनेस समाप्त हो चुकी है, उनकी फिटनेस कराने के लिए CMO तथा निजी एम्बुलेंस के लिए अस्पतालों के संचालकों को पत्र लिखा गया है। इनको किसी भी कार्य दिवस में फिटनेस कराने को कहा गया, ताकि किसी विपरीत स्थिति का सामना ना करना पड़े।